अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों का मज़ा दुबाला करने के लिए फ़िश एक ज़रूरी आइटम है। आज मैं आप लोगों को ये फ़िश फ्राई करने का और फ़िश को प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि मसाला लगा के इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो मसाले के लिए मैं लाऊंगी ये एक टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, एक टेबलस्पून से कम है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फ़िश धोने के दौरान भी थोड़ा सा लगाया था, आधा टीस्पून के करीब। और दो टेबलस्पून सूखा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च एक टेबलस्पून, ये अजवाइन एक टेबलस्पून, डेढ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और क्वार्टर टीस्पून है ये हल्दी। इन सब को मैं इसमें डाल दूंगी। ये एक एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चार पांच लीमू। ये टू टेबलस्पून ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल सकते हैं, बस एक आध टेबलस्पून के करीब। ये बेसन तकरीबन दो टेबलस्पून भर के मैं डालने लगी हूँ। ये कोई एक दो टेबलस्पून अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डाल लें, और हाँ नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये ऐसे डिप कर कर के एक साइड पे रखते जाएंगे। मसाला बस अच्छे से लगना चाहिए। ये मेरी ना 2 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही फिश थी, ये मैंने सारी पे ना मसाला अच्छे से लगा दिया है। ये मैंने मसाला लगा दिया है, अब मैं इसे 1-1.5 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं। अब जब हम प्रिजर्व करना है ना इसे, तो ये हम पीस ऐसे उठाएंगे, ये रखते जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है मसाला लगा होता है, जब दिल करे निकालो, मसाला लगा हुआ है निकाल के तो फ्राई करके खानी, ये ख़राब नहीं होगी। और इंशाल्लाह मेरे वाले तरीके से धोइएगा, इसको साफ़ कीजिएगा तो बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी। ये इसको ये बंद करके तो ये फ्रिज में रख देंगे, तो जब दिल करेगा निकाल के, बेशक कोई 3-4 माह भी पड़ी रहे तो ये ख़राब नहीं होगी। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट बाउल है, मैंने तो इसमें बंद करके रखनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसमें रख दीजिएगा, वरना किसी और। ये मैंने फ्राई पैन में घी डाल दिया हो गया, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करते वक्त उसी वक्त नहीं चम्मच इसमें हिलाना, वरना वो मसाला सारा ही घी में चला जाएगा। बस कोई 1-2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे हम। इसका फ्राइंग टाइम तकरीबन 5 से 7 मिनट है। ये लें जी, हमारी फ़िश तैयार हो गई है।
जो रह गई है वो हम फ्राई कर रहे हैं। हम सर्दी इंजॉय करने लगे हैं और आप लोग भी सर्दी को इंजॉय करें। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा एक मिनट में आप लोगों को ये पीस इसका खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जूसी और इसमें एक ज़रा भी स्मेल नहीं है। अगर आप लोग बनाएं और फिर हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।